आज मानव ने विज्ञान की मदद से हर उस तकनीक को ईजाद कर लिया है जिससे हमारी जिंदगी आसान बन सके, फिर चाहे वो जान बचाने वाली प्रणाली हो या फिर दूर बैठे लोगों से संपर्क साधने वाला सूचना तंत्र। इन सब की बदौलत आज हमारी जिंदगी और ज्यादा आसान हो गई है। आपको बता दें कि इस तकनीक का एक चौंकाने वाला नमूना हाल ही में देखने को मिला, जब एक महिला ने एक 24 साल पुराने जन्मे हुए भ्रूण को जन्म दिया। अमेरिका की ही रहने वाली 26 साल की टीना गिब्सन ने 24 साल पहले फ्रिज में रखे गए भ्रूण से एक बच्ची को जन्म दिया। उनके पति 33 साल के बेंजामिन गिब्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी थी, जिसके चलते उन्होंने भ्रूण को जन्म देने का फैसला लिया। आपको बता दें कि जिस वक्त भ्रूण को फ्रिज में रखा गया था, उस वक्त टीना की उम्र सिर्फ 1.5 साल थी। इस मामले ने सभी को चौंका कर रख दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल टीना ने बच्चे के लिए राष्ट्रीय भ्रूण दान केंद्र में संपर्क किया। आपको बता दें कि जिस तरह के भ्रूण को टीना ने जन्म दिया है, उसे बेहद ही कम तापमान पर जमा दिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रह सके। टीना ने जिस भ्रूण को जन्म दिया, उसे 14 अक्टूबर 1992 को फ्रिज में रखा गया था। टीना ने बच्चे का नाम एमा रेन गिब्सन रखा है। लोगों के लिए ये विज्ञान और तकनीक का उदाहरण हो सकता है, लेकिन अगर टीना की माने तो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये बच्चा उनके लिए भगवान के तोहफे की तरह है। आपको बता दें कि इस तरह से किसी भ्रूण को जन्म देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2011 में एक महिला ने ठीक इसी तरह से एक भ्रूण को जन्म दिया था। टीम इंडिलिंक्स।